तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले के। तो कैसे आप लोग, अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अब यहाँ पे इस बार हम आए थे पोचिंग के में, और भाई साहब इस मैच को तुम बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस मैच में ऐसे ऐसे सिचुएशंस हुई है जो देख के तुम्हारा बहुत डर जाओगे तुम लोग, है कि नहीं? तो भाई हमेशा की तरह हम पोचिंग की में उतरे थे, और इस मैच की स्टार्टिंग एंड एंडिंग ये दोनों भी बहुत खतरनाक है। स्टार्टिंग में हम जैसे ही बचते हमको मारना इम्पॉसिबल हो जाता है, और यहाँ पे मेरे टीममेट्स को मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा। इन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। क्या मतलब गलती से किया? गलती से करो या फिर जानबूझ के करो, लेकिन किया तो सही ना। खैर छोड़ो। और ये देखो, भाई रास्ते से ओपन आ रहा है, पता नहीं इसका ही टीममेट होगा वो जिसको हमने पहले मारा, लेकिन अब भाई को भी हमने उसके टीममेट के पास भेज दिया था। अभी मेरे सामने वाले घर के ऊपर एक बंदा था जिसको मेरे टीममेट्स लपेट लेते हैं, लेकिन यही से होती है दिक्कतें शुरू। अब यहाँ पे मैं नॉकआउट हो गया, मेरी टीममेट भी नॉकआउट हो गई, मेरा टीममेट भी नॉकआउट हो गया। मतलब यहाँ पे तीन बंदे नॉकआउट हो चुके थे, और वो चारों के चारों बंदे हम पे कर रहे थे रश, लेकिन यहाँ पे हमारा जाबाज खिलाड़ी जिंदा था जो कि हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब सच कहो तो ऐसी सिचुएशन में मैं समझ जाता हूँ कि अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हम यहाँ पे 101% ठिलने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे हम तीनों के तीनों नॉकआउट हो चुके हैं, हमारा एक ही टीममेट जिंदा है जो कि कुछ भी नहीं कर पाएगा, और ये मैच यहीं पे खत्म हो चुका है ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन भाई मेरा टीममेट गदर कर देता है, धोती पाड़ के चद्दर कर देता है। यहाँ पे हम एक एक करके रिवाइव हो रहे थे, और वो बंदे प्लान कर रहे थे इस घर के अंदर नेट फेंकने का। गुरु हमें फिर से बचा लेता है, हालांकि उसको उस बंदे ने नॉकआउट कर दिया, लेकिन जो बंदा नेट फेंक रहा था उसको गुरु ने नॉकआउट कर दिया। और अब यहाँ पे मैं बचा हूँ तो ये बंदे नहीं बचेंगे, क्योंकि भाई इन लोगों ने हमारी नाक में कर दिया था दम, और अब मैं इनको कर दूंगा खत्म। चलो बड़ा, चलो बड़ा, तुम भी बस भाई ऐसे सिचुएशन से हम बच गए ना, माँ कसम मजा आ गया। और मुझे बचपन से पता है कि जब भी हम ऐसे किसी खतरनाक सिचुएशन से बचते तो मैच बहुत ही लंबा जाता है और खतरनाक सा गेम प्ले बनता है, वैसा ही कुछ इस मैच में भी हुआ है। लेकिन भाई ये गुरु की तारीफ जितनी करी जाए उतनी कम है, और लास्ट में भी यही लोग मेरे को बचाने वाले है, लेकिन कब तक इनके टुकड़ों पे पलूंगा? खुद का भी कुछ ना कुछ करियर बनाना पड़ेगा कि नहीं? तीन किल पे कुछ नहीं होने वाला, मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ा सा आगे, और देखते भाई कहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है। एक बार मैं जिंदा बच गया ना तो फिर मैं मरता नहीं जल्दी। अब इधर पे मैं दो चार बॉटे क्या मार लेता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे को उनकी बिल्कुल भी खबर नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस ये बंदा चुपके चुपके इस दीवार के पीछे आया तो था, लेकिन इसको पता नहीं था कि मेरे कान बिल्ली से भी तेज है। चलो बेटा तुम भी बच गया। चलो बड़ा, मेरे कान बिल्ली से भी तेज है और शेर से भी मजबूत है। और ये फिर से रिकॉल हो गया। चलो भाई तुम भी। अभी बंदे एक एक करके यहाँ पे रिकॉल हो रहे थे, क्योंकि इनको लेना था बदला, लेकिन बदला यहाँ पे नहीं रहता, इधर सीधा पीटी बनती है और फिर घर को जाना पड़ता है। अब मजाक में अपने 8 किल हो चुके थे, और यहाँ पे आगे की तरफ मुझे आ रहे थे फुटस्टेप, आ रहे थे कि नहीं पता नहीं, मैं तो बिना आवाज के यहाँ पे सुन रहा हूँ इसको, मतलब की देख रहा हूँ। आवाज करके वीडियो प्ले करूंगा तो माइक में भी आवाज जा सकती है कि नहीं? अब मैंने मेरी टीममेट को कहा कि भाई आगे मत जा, इसने वहाँ पे एक बंदा नॉकआउट कर दिया था तो ये उसको फिनिश करने के लिए जा रही थी, लेकिन इसका टीममेट यहाँ पे चोर की तरह छुपा हुआ था। सिक्स पैथ सुना था मैंने, ये सिक्स पैथ क्या है, मतलब कि 6 रास्ते, किस जगह के रास्ते भाई, लॉबी जाने के 6 रास्ते।
खैर खैर हमने उसको भी वहां पे मार दिया था और अब भारत यहाँ से आगे निकलने की और मुझे आ रहे थे सामने वाले घर से फुटेज टेप। तो मैंने अपने टीममेट्स को बुलाया कि भाई आ जाओ यार, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, दो तीन किलो, तो गाइस जल्दी से आ जाओ मेरे साथ में। अब यहाँ पे मैं जैसे आता हूँ एक गुस्से को बहुत ही ज्यादा बंदा आ जाता है, मतलब कि बूंदे को बूंदा क्या होता है, मतलब कि बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मैं उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए जल्दी बोतल में आग फेंक देता हूँ। मुझे मॉलिकॉर्ड नहीं बनने देंगे ये लोग। चलो भाई, ये बंदा शुरुआत में मेरे हाथों से मरा था, मतलब कि दो नंबर पे मरा था और इस बार फिर से मर गया। और ये देखो कोई नेट गॉड भी बन रहा है, लेकिन ठीक है यार, अब क्या करे, नसीब नसीब की बात है, कभी इसके पास तो कभी उसके पास, आज मेरे पास था और इधर से दूर से किसी ने कुछ मारा था। इसके पास शायद लसन स्नाइपर थी, लसन फेंक के मारेगा क्या है? इधर से मूली फेंक के मारूंगा तेरे को, बड़ी मूली है मेरे पास। क्या बोला तूने? मेरा मूसा निकल गई। और यहाँ पे एक बंदा था भाई, इसको मैं नेट से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा इधर से उधर भाग रहा था और इसकी किस्मत बहुत ही बवासीर थी। ये देखो, चुपचाप से हमारे हाथों से मर जाता तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, उसको जाना था उधर, तो उधर उस बंदे ने उसको ठिला दिया। तो हम वहां से निकल के इस साइड आते हैं। अब ये सामने वाले जो घर है ना, चार पांच, इसके अंदर तीन चार बंदे थे और ये बंदे यार एक घर के ऊपर चढ़ा है, कोई घर में कैंप कर रहा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे, आगे पीछे हर जगह पे बंदे ही बंदे। तो मैंने सोचा अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप से शांति से एक घर में बैठ जाओ और फिर अगर कोई अपने ऊपर आया तो उसको मार मार के उसकी आत्मा निकाल लूंगा। और ये देखो, अब बैग ढोचू छत के ऊपर चढ़ के बैठेगा तो मेरे को दिखेगा नहीं क्या है? चलो बड़ा तुम भी। और भाई फाइनली यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ पे कोई भी बंदा बचा हुआ नहीं था, अपने हो चुके 15 किल, जिंदगी बहुत ही मजे में जा रही है, मगर कब तक। मैं यहाँ पे मजे से ड्रिंक वगैरह पी रहा था तभी मुझे लैंडिंग करने की आती है आवाज। इसका मतलब समझे अभिजीत? अब इसका क्या मतलब हो सकता है सर है? अरे अरे आराम से अभिजीत, इसका मतलब यहाँ पे कोई लैंड हुआ है। ये रहा, चलो बड़ा बस। और भाई अब मैं फाइनली कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी बंदा बचा हुआ, यहाँ पे फिर से एक बंदा आ गया। ओ गॉड, ये एक एक करके क्यों आ रहा है? मेरे दिमाग का भोला चेहरा मेरे सामने आ गया। इसी घर में चलो भाई तुम भी। ये नीरज कितनी बार मरेगा भाई? नीरज कितनी बार मरोगे तुम? और चलो भाई, अब तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई, ये फिर से आ गया बाबा, तू जा रहे? अबे चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया, इसको मार मार के इसकी चमड़ी उधर दूंगा, कहाँ पे ये? चलो बड़ा। अबे बच गया, बच गया, बच गया। भाई आखिरकार जाते जाते भी इसने मेरे को नॉकआउट कर ही दिया। इसकी टीममेट का कहना होगा कि भाई इसको फिनिश कर दे, नॉकआउट क्यों किया है, लेकिन ये बंदा खुद ही फिनिश हो गया। और ऑफिशियली यहाँ पे अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ क्या घंटा कह सकता हूँ। यहाँ पे हमने अच्छे खासे किल कर लिया यार, लेकिन 17 किल मजाक थोड़ी ना है। तो हमने सोचा कि अब यहाँ से निकलते हैं, हमें आगे की तरफ गाड़ी दिख रही थी तो फटाफट से स्मोक वगैरह कर देते हैं और चलते थोड़ा सा आगे, क्योंकि बहुत सारे बंदे बाकी हैं। लेकिन एक मिनट, बग्गी की आवाज। कॉल पर रुका क्यों? इधर तो कोई छुपा हुआ नहीं है ना? Marked a location. Hey,
मैं कहता हूँ इतना कॉन्फिडेंस लोगों में आता कहाँ से, ओपन में आके नेट फेंक रहा था। हालांकि उसको पता है कि यहाँ आगे की तरफ चार बंदे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा। खैर उस घर में कम से कम तीन बंदे थे और यहाँ पे टाइम पास करने का बिल्कुल भी फायदा नहीं था क्योंकि बंदे मर रहे थे। तो मैं यहाँ पे ओपन में आके थोड़ा सा लूटता हूँ, बिकॉज लूटना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने अपनी टीममेट से कहा कि भाई आगे मत जा, ऊपर मत जा, वहाँ पे अकेला बंदा बचा हुआ है, अगर नॉक किया तो फिनिश करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। लेकिन अपना सुनता कौन है? I'm really sorry. खैर उसकी शौक का मौत थोड़ी ना मना सकते हैं, आई मीन मौत का शौक थोड़ी ना मना सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे किसी के पास लसन स्नाइपर भी थी, ये देखो ये बंदा लसन स्नाइपर मारे जा रहा था और इसके पास तो ऑम भी है भाई। ये बंदे पता नहीं कहाँ पे लड़ रहे थे, 18 किल तो हमने भी मारे हैं। और इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार ये बंदे मुझे मिल जाते हैं। ये बंदे वो सामने वाले टेम्पल के अंदर थे और इन सब के पास ड्रॉप की लूट वगैरह थी भाई, लसन स्नाइपर, ऑम, ये सब कुछ इनके पास भरा पड़ा था। और मैंने सोचा कि यहाँ पे आगे जाके इनको ठिलाते हैं, लेकिन तब मैं अपने किल देखता हूँ जो कि 18 हो चुके थे। तो ऐसे समय में इंसान के लिए यही अच्छा होता है कि वो अपने जज्बातों पे काबू कर ले और अपने कदम पीछे हटा ले। तो मैं इधर ही रहकर अपने जज्बातों पे काबू करता हूँ और यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ। ये तो मेरे को ही देख रहा है भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ पे मौत है। और तुरंत ये बंदा मेरे पे रश भी करता है, लेकिन लाले आज मेरी किस्मत बहुत ही बढ़िया है। भेज दिया, लेकिन यहाँ पे मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। इधर मेरे पास बिल्कुल भी हेलमेट नहीं था और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। भाई लिटरली इस बंदे ने सिर्फ एक ही गोली मारी, लेकिन मेरे टीममेट ने मुझे बाल बाल बचा लिया। आमतौर पर ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं बचाता, लेकिन आज पता नहीं इसको क्या हो गया था भाई। कड़ी बात खा के आया था क्या तू भी? खैर अब यहाँ पे अपने 19 किल हो चुके हैं और बंदे बचे हैं चार, मतलब कि हम पकड़ के 6 हैं लेकिन एनिमी लोग हैं चार। और ये बंदे हमारे आगे की तरफ थे और ये देखो अबे 6x इस बंदे ने चुपचाप से कवर में जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, हमको पीक करने की खुजली है तो फिर खुजली मिटा दी मैंने। और ये देखो कौन है, विनीत फ्रिक्वेंट। क्या होता है फ्रिक्वेंट का मीनिंग? और ये देखो तीसरा, और अब बचा इनका लास्ट वाला बंदा। बस भाई क्या ही शानदार चिकन निकला है, क्योंकि मुझे मेरी किस्मत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग ही इतनी खतरनाक हुई थी कि हम वहीं पे लुढ़कने वाले थे, लेकिन मेरे टीममेट ने हमको बचा लिया, हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी। और फिर एंडिंग में तो तुम लोगों ने देखा ही कि कितना खतरनाक सीन था है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा अपने टीममेट्स का, हाँ ये करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि इन्होंने बचाया मेरे को। खैर आशा करता हूँ कि तुम लोगों को मैच पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेरे टीममेट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।